दी कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ लोगों ने सच्चाई कहा है तो कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा। अगर आपको इंडिया की 90s की हिस्ट्री का जरा भी आइडिया है तो आप जानते ही होंगे कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म किस बैकड्रॉप पे है। इतनी जबरदस्त स्टारकास्ट होने के बाद भी इस फिल्म को काफी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब जनता हो आपके साथ तो फिक्र की कोई जगह ही नहीं बनती। इस मूवी को ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और कुछ लोग तो इसके मूवी टिकट्स भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। मूवी जिस स्टोरी को सामने रखती है वो बहुत सेंसिटिव है और डायरेक्टर ने काफी अच्छे तरीके से इसे हैंडल किया और उनका रिसर्च कहानी को लेकर दिखाई देता है। डायरेक्टर की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स के जरिए एक हार्ड हिटिंग सच्चाई को सामने रखा है। ये फिल्म हॉलीवुड मूवी द शिंडलर्स लिस्ट की याद दिलाते हुए ज्यूइश होलोकॉस्ट के बारे में थी। ऐसे फिल्मों के जरिए हम हिस्ट्री के ट्रेजिक इवेंट्स को याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि विक्टिम्स के साथ जस्टिस हो सके। इस मूवी में सभी एक्टर्स ने शानदार काम किया है एज द स्टोरी इज रियली गट रेंचिंग और एक्टर्स के लिए भी ऐसे सीन्स में परफॉर्म करना काफी डिस्टर्बिंग रहा होगा। अगर आपको लवी डवी फील गुड फिल्म्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड हिटिंग फिल्म्स देख सकते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म आपके लिए डेफिनेटली है। क्या आपने द कश्मीर फाइल्स अभी तक देखी है? अगर नहीं तो जल्दी से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में इसे देखिए और जरूर सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।